ये इमेजिन करो कि कोई एक ऐसी चीज़ है, मटेरियल या इमटेरियल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ है और तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। कोई एक इंसान आता है और उस चीज़ के साथ छेड़खानी करता है, उस पॉइंट पे रिएक्शंस क्या होगी माइंड पे, किस तरीके की वॉइसेस चलेगी उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जब उस माइंड को ये रियलाइज़ होगा कि जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा अटैच्ड है वो चीज़ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है या वो चीज़ उस माइंड से छीन ली गई है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक वीडियो में मैंने देखा है जो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, एंड इट वॉज रिकमेंडेड बाई द IGTV फीचर ऑफ इंस्टाग्राम। द वीडियो वॉज अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग। तो कुछ दिन पहले हुआ ऐसा कि मैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा था, एक्सप्लोर सेक्शन में बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे रील्स आजकल इंस्टाग्राम बहुत प्रमोट कर रहा है, बट आई वेंट स्पेसिफिकली फॉर द IGTV सेक्शन एज आई वांटेड टू सी हाउ द एंटायर एंगेजमेंट और हाउ ह्यूमन बींग्स आर इंटरेक्टिंग विद द IGTV ऑफ इंस्टाग्राम। आई सॉ दिस वीडियो ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वो एक्चुअली वीडियो क्लिपिंग था 5 मिनट का, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप था। आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट वीडियो ऑन यूट्यूब बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट अ क्लियर पिक्चर एज टू वॉट दैट एंटायर एपिसोड ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वॉज अबाउट। इट्स एन इंटरेस्टिंग शो, मुझे उसका प्लॉट बहुत अच्छा लगता है। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हाउ एन आइडियल सोसाइटी इन अ कंट्री मस्ट बी। उस आइडियलिज्म को अचीव करने के चक्कर में जो जो उन लोगों के साथ होता है वो एक कॉमिकल वे में उस शो के थ्रू दिखाया जाता है। There is this episode in which जेठालाल ही ब्रेक्स पोपटलाल का छाता जो उसको बहुत ज्यादा प्यारा होता है। In other words, he is extremely attached to that umbrella. जिस सीक्वेंस में वो सारी चीजें होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है कि कपूर फैमिली में से दो सेलिब्रिटीज आते हैं एंड पोपटलाल उनके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखता है एंड वो अपने कंपाउंड में कुछ टाइम पास कर रहा होता है। इतने में जेठालाल ऑलरेडी किसी परेशानी से जूझते हुए आता है, और as a viewer we know that he has been through a lot of struggles and things like that, and when he reaches the compound Popatlal usse rokta hai aur fir kehta hai maine tumhare dukan se mobile liya tha to us mobile ke sath jo maine cover liya tha wo cover फॉल्टी है। पहले तो होता ऐसा है कि जेठालाल पोपटलाल के उस क्वेरी का जवाब बिल्कुल नहीं देता है। कैन बी क्लियरली सीन इन द कैरेक्टर वेयर पोपटलाल फील्स एज इफ इज इग्नोर्ड और हिज कंसर्न इज इग्नोर्ड। देन पोपटलाल एजिटेशन इंक्रीजेस टू अ लेवल वेयर ही ट्राइज टू स्टॉप जेठालाल एंड मेक्स हिम लिसन टू हिज प्रॉब्लम। जेठा भाई के कैरेक्टर का ईगो अंदर से आता है जब उसे रियलाइज होता है कि माधवी भाभी वहां पर खड़े रहकर बालकनी से हर चीज देख रही है एंड ही इज बीइंग हेल्पलेस ओवर देयर। सो इन रेज वो पोपटलाल का छाता लेकर उस छाते को तोड़ देता है, एंड उसके बाद जो सारी एक्टिविटीज होती है वो तो बहुत हिलेरियस है। किसी चीज का या किसी छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, द माइंड नोज हाउ टू डू इट। पोपटलाल भी करता है यही है, सारे सोसाइटी वालों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और वो फिर बदला लेने की उसमें चाहत आती है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगा, एंड स्टार्ट शाउटिंग जेठा भाई's नेम। पोपटलाल मेक्स इट अ पॉइंट कि पूरी सोसाइटी वालों को वो बताए कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। When I was viewing this video on Instagram's IGTV, मेरा ध्यान इस चीज पे था कि लोग रिएक्ट कैसे करते हैं अलग अलग सिचुएशंस को, क्या जाता है उनके माइंड में विच लीड्स टू दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंस देन पोपटलाल ही गोज नियर अ चबूतरा काइंड ऑफ अ थिंग। He sits there and he thinks as to what has happened with him. काफी लोग उसको शांत करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तू शांत हो जा, तू थोड़ा ठंड रख, लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं रहता है। भिड़े भाई, सोड़ी भाई और अय्यर भाई तीनों मिलकर उसको कुछ ना कुछ सजेशंस और चीजें बोलते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है जो इन चारों के बीच के जो कॉन्वर्सेशन है, अगर पोपटलाल को सेंटर में रखकर इन तीनों की बातों को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा समझ में आता है कि ये सारी बातें दिमाग में अपने आप घूमते रहती है, लेकिन माइंड इतना ज्यादा ब्लॉक्ड होता है ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में कि वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहता। सिगमंड फ्रॉयड ने एक्चुअली बहुत पहले ये चीज बोली थी कि तीन डिस्टिंक्शंस हैं माइंड के, द इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। दिस इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर नथिंग बट अ क्रिएटेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द माइंड एंड इट डजंट एग्जिस्ट। इन तीनों चीजों का आपस में इतना गहरा इंटरप्ले है जिसके वजह से एक इंसान बिहेव करता है जिस हिसाब से वो बिहेव करता है। अय्यर एक पॉइंट पर पोपटलाल को बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करते रहता है एक्शन लेने पर, वो एक तरीके से ये कन्वे करने की कोशिश करता है पोपटलाल को कि तुम्हारा छाता तुमको इतना प्यारा था तो तुम कैसे उस बदले की आग को बुझा रहे हो। फिर भिड़े रहता है जो कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। हाउ दीज कैरेक्टर्स पोपटलाल, जेठालाल, अय्यर भाई एंड एवरीबडी हु इज इन दैट शो, देयर परसेप्शंस टूवर्ड्स ईच अदर इज so concrete that they are not able to see beyond what the characters are. The Great Indian Laughter Challenge करके एक शो आता था स्टार वन पे, जॉनी लीवर ने कहा था या राजपाल यादव ने कहा था उस शो में, ये मुझे एकदम से याद नहीं है,
लेकिन दोनों में से किसी ने कहा था कि जहाँ ट्रेजेडी होती है वहां से एक्चुअली कॉमेडी निकल के आती है, एंड उस कॉमेडी को वहां देखने के लिए एक नजरिए की जरूरत होती है, जो कि इस शो के क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स में कूट कूट के भरी हुई है। चंपक चाचा इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इफ यू थिंक अबाउट हिम। ही इज वाइज बट ही स्टिल एजिटेटेड एंड ही स्टिल केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मुझे नहीं लगता किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है ये चीज समझने के लिए ये शो क्यों इतना हिट है। तारक मेहता शो के सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती है, एट द एंड ऑफ एवरी इंसिडेंट दैट हैपेंस इन द सोसाइटी दे फॉरगेट इट एंड दे मूव ऑन विद इट, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट वन नीड्स टू मूव ऑन विद व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, एंड या दैट्स अबाउट इट।